नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। खंडवा, कुछ ही महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले खंडवा जिला अस्पताल के CMHO DS चौहान को ट्रांसफर के नाम पर एक नर्स से नकदी 10,000 रुपए की रिश्वत लेना उस समय भारी पड़ गया जब उन्हें उनके आवास के सामने ही लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कार्रवाई के लिए आई लोकायुक्त टीम को CMHO को दबोचने के लिए कड़ी धूप और भयंकर गर्मी में बहुत देर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि CMHO कलेक्टर की टाइम लिमिट बैठक के कारण अपने निवास पर देर से पहुंचे। सर, आज ये आपने ट्रैप किया है एक बड़े अधिकारी को, क्या मामला है, किस तरीके की कार्रवाई है? ये अपने छैगांव माखन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ हैं सविता झरबड़े। ये जो है अपना स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छैगांव माखन से जिला अस्पताल खंडवा चाह रही थी, जिसके लिए ये CMHO DS चौहान है यहाँ पदस्थ, उनसे मिली थी। उनसे जब मिली तो इनके द्वारा उनसे उनके स्थानांतरण के एवज पे 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में इनके द्वारा की गई थी। शिकायत पे रिकॉर्डिंग कराई गई, रिकॉर्डिंग में इनके द्वारा 35,000 रुपये की रिश्वत लेन देन के दौरान मांगा पाया जाएगा पाने से आज हमने ट्रैप दल का गठन किया था और इनको इनके अपने निवास में अभी 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए हमने रंगे हाथ ट्रैप किया है इन्हें और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कैसे क्या पकड़ा है सर, मतलब किस टाइप से ट्रैप हुए हैं ये उनसे जब मिली तो इनके द्वारा कहा जा रहा था कि भाई अगर आपको यहाँ जिला अस्पताल आना तो पैसे देने पड़ेंगे उसके ट्रांसफर के लिए, तो उसी के लिए 35,000 रुपये मांग रहे थे। तो इन्होंने जो इनकी LHV होती है, जो लेडी हेल्थ वर्कर जो होती हैं, वो पर्यवेक्षण अधिकारी कहलाती हैं ANM की, तो उनके माध्यम से इनके द्वारा रिश्वत की राशि ली जा रही थी। जब उससे बातचीत की गई तो उसने बताया कि साहब ये जो है CMHO साहब ने बोला है कि इनको जो है इनसे आप पैसे ले लो और वो जो ऑर्डर मैंने निकाला वो दे देना। सर, ये आज कितने मतलब आज जो ट्रेप है कैसे ट्रेप, कितने मिनट में इनको ट्रेप कर लिया आपने? नहीं, हम लोग तो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, चूँकि आज मीटिंग थी TL की तो ये लेट फ्री हुए। अभी जैसे ही ये घर आए तो हम लोग आसपास ही थे घर के, तो लेडी ने जाके इनको पैसे दिया, उसी समय इन्हें हमने जो है ट्रैप कर लिया। सर, क्या जो मीडिएटर है क्या वो भी इसमें आरोपी बनेगी ANM? मीडिएटर का कोई उसमें अभी प्रथम दृष्टया तो इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है, इसलिए अभी ये विवेचना में है, आगे सिद्ध होगा कि वो आरोपी है या उसमें विटनेस है। फाइनल कितना के लिए हुआ सर, 40,000 35,000? 35,000 रुपये में लेन देन तय हुआ था, 5,000 पहले वो दे चुकी है, चूँकि अभी उसके पास 35,000 नहीं थे तो 10,000 फिर दे रही थी वो, ऐसे 10-10 5-5,000 करके ही वो पूरे 35,000 दे चुकी है, 5 पहले और 10 आज, 15 दे चुकी है। आज इनको रंगे हाथों 10,000 लेते हैं, 10,000 रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों घर के पास, घर के बाहर। आपका परिचय? मैं DSP प्रवीण सिंह बघेल, लोकायुक्त इंदौर से। खंडवा से खबर समय जगत के लिए मनीष फलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.